क्या आपको पता है कि आप 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं आमतौर पे खड़े ऐसे ही बैठे बैठे? 12 से 16 बार, दौड़ते समय या कोई और काम करते समय आपके सांस लेने की गति तेज हो जाती है। लेकिन नॉर्मली बैठे बैठे हमें पता भी नहीं चलता कि हम कितनी बार सांस ले रहे हैं। सांस लेना सांस छोड़ना जिंदगी का ऐसा हिस्सा है जिसको हम लोग समझते ही नहीं, फील भी नहीं कर पाते कि हम सांस ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। आप में से कोई अगर तैराकी करता हो या किसी ने स्विमिंग पूल में या किसी भी तालाब में पानी के नीचे सांस को रोक के रखा हो, अगर आपको ऐसी कोई एक्सपीरियंस हुआ हो तो याद कीजिए, कुछ सेकंड के बाद ही आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ सांस पर जाता है, आपकी सांस पर। सांस नहीं ले पा रहे हैं, आपको ज़बरदस्ती सांस रोकने की ज़रूरत पड़ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी से जल्दी हो सके आपको सांस मिल जाए। अब ये सोचिए कि ये संक्रमण COVID-19, ये रोग जब आपके शरीर में होता है तो आप चाह कर भी सांस नहीं ले पाते हैं। इतनी खांसियां आती है कि आप सांस अंदर नहीं भर पाते हैं। आपके फेफड़े इतना कम काम करते हैं कि जितनी छोटी छोटी सांसें आप ले भी पाते हैं उससे आपके पूरे शरीर के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलता है। आपको हॉस्पिटल में भर्ती करके आपको ऑक्सीजन चढ़ाना ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ता है, और उससे भी सीरियस होने के बाद आपको वेंटिलेटर की दया पर रहना पड़ेगा, एक मशीन जो आपके शरीर को सांस लेने के लिए सहायता करेगी। वैसी कंडीशन हो जाती है अगर आप COVID-19 के शिकार होते हैं। क्या आप वो चाहते हैं? क्या आप ये चाहते हैं कि आपके परिवार का कोई भी सदस्य ऐसे किसी बीमारी का शिकार हो? मैं नहीं चाहता, और शायद आप भी नहीं चाहते होंगे। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो घर के अंदर रहिए, घर के बाहर मत निकलिए। COVID-19 से जो संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो, ये नीचे में दिखाए जा रहे संदेश के साथ साथ जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कीजिए, मुझसे फेसबुक पर या यूट्यूब पर सवाल पूछिए, मेरे पास जो जवाब होगा मैं तुरंत दूंगा, और अगर मेरे पास उस सवाल का जवाब नहीं होगा तो मैं उसे ढूंढ कर सही और सटीक जवाब आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कल एक बार फिर से शाम को 6 बजे हम लोग कोविड टॉक में मिलेंगे। आज का बुलेटिन यहीं तक। नमस्कार, सेफ रहें।